देखिए सारे कोने काटने के बाद ये बिल्कुल सीधी हमारी पाइपिंग की पट्टी तैयार हो जाती है। इस पट्टी को हम गले पे लगाएंगे। तो कैसे लगाना है हमें गले पे, ये देखिए ब्लाउज लिया हमने, ये जो हम लगा रहे हैं ये हम लगा रहे हैं फेसिंग, तिरछी पट्टी से हम फेसिंग लगा रहे हैं गोल गले के ऊपर। तो गोल गले के ऊपर फेसिंग लगाते हुए हमें क्या करना है, फेसिंग लगाते समय आपको पट्टी नीचे रखनी है, पट्टी नीचे रखनी है और गला ऊपर की तरफ रखना है, पट्टी नीचे और गला ऊपर रखना है और थोड़ा सा पट्टी को आगे निकाल के रखना, गला पीछे रखना है। इसके बाद एक्यूरेट पैर की चौड़ाई की सिलाई लगाते हुए हमने गले में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आने देना है, बिल्कुल आराम से हमने इसको मशीन में रखना है, हल्का सा भी इसको खींचना नहीं है गले को। जैसे अगर आप ज़्यादा गले को खींच दोगे तो गला फलक के गले की शेप खराब हो जाएगी। बिल्कुल गले को खींचने नहीं देना है, बिल्कुल ढीला ढीला गला रखना है। सिलाई बिल्कुल एक्यूरेट एक पैर की होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, जिससे कि हमारे फेसिंग लगाने में फिनिशिंग आए। कहीं भी गले को बिल्कुल नहीं खींचना है। कंधे से जब गिरते हैं तो गले को ठीक तरीके से ना बनाना, फेसिंग सही तरीके से ना लगाना, गले को जरूर से ज़्यादा खींच देना, गले को फलका देना कंधे गिरने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। मेरी उसी बात को पहले भी मैंने बताया है, ध्यान रखना है मशीन में कपड़ा लगाते और निकालते समय आपने कपड़े का इस्तेमाल करना है, आपने डायरेक्ट मशीन से कपड़े को बाहर नहीं निकालना है। अब इसके बाद जब हम ये लगा लेते हैं, इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है फ्लैट पैड लगाना। ये जो